स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर, स्क्रीन तो नजर आ रही है सर। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो क्या करें? से लेट ज्वाइन किया है, यस सर। अब वो बाकियों से बात करें या फिर आखिर में एक क्विक रिव्यू कर लेंगे, जो चीजें रह गई होगी किसी की ना उसको एक बार देख लेंगे। ऑलराइट सर। अच्छा तो हम कहाँ पर थे? हम आ गए थे, हाँ हम आ गए थे न्यू रूल्स फॉर आईटी मैनेजमेंट। ठीक है, देखो न्यू रूल्स फॉर आईटी मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली हमारे पास तीन पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। पहली बात वही, देखो अभी तक हमने जो बात की है वो एक ही चीज घूम फिर के चल रही है। वो चीज क्या है कि भाई देखो, सिर्फ जिस चीज की जरूरत है कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट है, जितनी जरूरत है उतना इन्वेस्ट करो। टेक्नोलॉजी हर टाइम हमारे पास नहीं रहेगी, इसका एडवांटेज मिलेगा, टेम्पररी मिलेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बेनिफिट डिक्रीज होता जाएगा। तो आप क्या करो, आप इसको अकॉर्डिंगली प्लान करो, बहुत ज़्यादा रश नहीं करो, आप तमाम चीज़ें आप अवेल करने की कोशिश ना करो। ठीक है, तो न्यू रूल्स फॉर आईटी मैनेजमेंट भी यही कह रहा है। पहला पॉइंट है इसका, स्पेंड लेस। क्या करो? लेस स्पेंड करो। लेस से मुराद ये है कि भाई स्पेंड ना करो ये बिल्कुल भी नहीं है। लेस का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है तो इन्वेस्ट करो, नहीं है तो ना करो। अंटिल अनलेस आप टेक्नोलॉजी के बिजनेस में ना हो। देखो आप क्या हो, आप अगर टेक्नोलॉजी के बिजनेस में हो तो आपको टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप चाहिए होगी। सर एक सवाल है। हाँ बोलो। सर आपने अभी बोला कि जरूरत हो तो आप इन्वेस्ट करें आईटी में, तो सर व्हेन डज बिजनेस डिसाइड्स कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए बिजनेस में? मतलब कौन सा वो स्टेज आता है कि उनको रियलाइज होता है कि हाँ नहीं अब करना चाहिए? वैसे तो आई एग्री कि हर कंपनी का अलग होगा, लेकिन कोई ऐसी यूनिवर्सल चीज जो कि कंपनीज को अपनानी चाहिए कि अब आईटी ले आए? सर वो तो नीड की बेस पर होगा ना, कंपनी के लिए, कंपनी कब फील करती है कि उसको आईटी की जरूरत है, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ द एनवायरनमेंट। सवाल से ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसकी जरूरत है? यहाँ पे आई थिंक शायद हमने कहीं डिस्कस किया है या आगे शायद हम डिस्कस करेंगे। हाँ देखो ये पॉइंट देख रहे हो, प्रिंसिपल नंबर थ्री। बेसिकली प्रिंसिपल नंबर थ्री कह क्या रहा है, टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव बिगेन फ्रॉम विद इन। कहाँ से स्टार्ट होता है? यहीं अंदर से ही स्टार्ट होता है। देखो जब आप काम कर रहे हो और आपको लगे कि यार ये मेरे लिए इतना इफेक्टिव नहीं है, मेरा टाइम ज़्यादा लूज हो रहा है, मेरी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, मतलब मेरे पास इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा आ रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसको अपग्रेड करना चाहिए, करना चाहिए, अब इसको अपग्रेड करना चाहिए, तो फिर वो टाइम है कि आप इसको अपग्रेड करें। आप करते क्या हैं, आप ये देख रहे होते हो कि एफिशिएंसी देख रहे होते हो, भाई मेरे पास अभी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, क्या मेरा सिस्टम करंटली सही चल रहा है या इसमें कुछ इश्यूज हैं या मुझे इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो हो सकता है कि आपके पास इश्यूज आ रहे हो सकता है कि आप वॉलेंटरली आप कहो कि भाई मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, मगर अगर आप अपडेट करने जा रहे हो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे भाई कॉस्ट कितनी लग रही है, बेनिफिट कितना आ रहा है। अगर आपको कॉस्ट बेनिफिट मिल रहा है तब तो आप इम्प्लीमेंट कर लो, कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, मगर अगर आपको कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा तो आप क्या करो, इसको अडॉप्ट ना करो। तो फिर आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि भाई आपके पास क्या नेसेसरी है या नहीं है। अगर इश्यूज आ रहे हैं आपके करंट एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर तो आपको लाजमी है कि आप करो, मगर अगर कोई इश्यू नहीं आ रहे और ये स्मूथली चल रहा है तो आपको जरूरत नहीं है। बस ठीक है सर, ये वाला क्या नहीं, पहले से मैं सुन रही थी, मैं इसमें पूछ रही थी। ठीक है, तो देखो फिर वही बात है, सवाल अच्छा है आपका कि कब करना चाहिए। सिर्फ ये देखो कि क्या हमें अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है या नहीं कर रहा। याद है ना रिच कौन क्या था, उसका एग्जिस्टिंग सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा था, डिसीजन सही था, डिसीजन सही था कि इसको अपडेट करना चाहिए हमें, मगर इम्प्लीमेंटेशन उसकी गलत हुई। तो आपको क्या करेगा, आपका सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, सही काम कर रहा है तो नहीं छेड़ो। या अगर लगता है कि हाँ इसको क्या करना चाहिए, हमें एक नए फेज में लेके जाना चाहिए, हमें एडवांटेज गेन करनी चाहिए, तो फिर क्या करो, देखो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, कॉस्ट कितनी लगेगी और बेनिफिट कितना ड्राइव होगा। अगर आपको बेनिफिट ज्यादा ड्राइव हो रहा है तब तो ठीक है, और अगर आप बेनिफिट ड्राइव नहीं हो रहा है, कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो क्या करो, इसको अवॉइड करो। सर आपने एक क्वेश्चन दिया था एमसीक्यूज में,
रिच कॉइन से रिलेटेड दिया था कि उनकी उन्होंने सही डिसीजन क्या लिया था मोस्ट इफेक्टिव, तो सर उसमें यही था ना कि उन्होंने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी वो सही करी थी। एग्जैक्टली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई सही थी। सब देखो हमेशा याद रखो एक ऑर्डर में चलो, इसमें चलो ऑर्डर में, सबसे पहला काम क्या किया दोनों ने, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ही सही किया था, बिल्कुल सही है, सबसे डिसीजन सही था। हाँ उसके बाद वो ब्लंडर्स करते गए। पॉइंट क्या है, स्पेंड लेस, भाई आप क्या करो, आप ज़्यादा स्पेंड ना करो, क्या करो आप इतना स्पेंड करो जितनी ज़रूरत है, अगर आपको बेनिफिट ड्राइव होगा तो करो, नहीं होगा तो नहीं करो, ठीक है। सेकंड है फॉलो, डोंट लीड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या करो, फॉलो डोंट लीड, आप खुद लीडर बनने की कोशिश ना करो भाई, आप टेक्नोलॉजी लीडर नहीं हो, आप टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी नहीं हो, अगर आप टेक्नोलॉजी बेस्ड हो तो आपके रूल्स बदल जाएंगे, बट अगर आप टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है तो आप क्या करो, आपके लिए बेहतर है आप फॉलो करो। बट कभी कभी बेटर नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना लिया जाए, अगर अच्छी तरह इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं, आपको ये है बिलीव। देखो एक बात करो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप गेन कर सकते हो, कब करोगे, एक कॉस्ट पे, कॉस्ट कौन सी लगेगी, आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लग रही होगी, ठीक है, बट होगा क्या, वो कॉस्ट लूज हो सकती है अगर आपका नहीं चला, पॉइंट वापस से भी पुराना वाला, वो पुराना वाला पॉइंट क्या था, वो ये कह रहा था कि आपके पास क्या होता है, आपके पास आहिस्ता आहिस्ता बेनिफिट आपका डिक्रीज होता जाता है, तो आपका बेनिफिट डिक्रीज होता जाता है। मसलन हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, कहीं था यहाँ पे, वेनिशिंग एडवांटेज, यानी कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा और जो आपको जो होगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिल तो जाएगा बट शॉर्ट टर्म रहेगा, और होगा क्या, वेनिशिंग एडवांटेज, वो एडवांटेज आपकी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती रहेगी, वो डिक्रीज होती रहेगी, एट द एंड आपकी कॉस्ट लगी, आपका रिस्क लगा, सब कुछ लगा, उसके बाद भी आप बेनिफिट ड्राइव नहीं कर पाओगे इतना जितना होना चाहिए था, क्या फायदा होगा। अगर सभी यही सोचने लग गए तो फिर इनोवेशन कैसे आएगी। देखो हमारा काम इनोवेशन करना नहीं है, हम देखो हम टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्म नहीं है, इस बात को समझो, अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड होते तो हमें समझ में आता, अगर हम टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्म होते तो हमें ये चीज समझ में आती है, मगर अगर हम टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है तो हमारा प्राइमरी कंसर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारा प्राइमरी कंसर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, इस बात को समझो, क्योंकि उस पर क्या लगी, आपकी कॉस्ट लगी है, कॉस्ट के साथ क्या है आपके पास, रिस्क एसोसिएटेड है। सर हम बेसिकली जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। हाँ बोलो बोलो। सर हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं अपने जो ऑपरेशंस हैं, अपने जो प्रोसेस हैं, उनको एफिशिएंट बनाने के लिए, आप ये कहना चाह रहे हैं ना। बिल्कुल हम इसलिए मतलब इसमें इनोवेशंस की इतनी कोई खास नीड नहीं है, जब अगर हमें बेनिफिट हो रहा है तभी हम अपनी जो है वो कॉस्ट जो है वो स्पेंड करें। Exactly. देखो बात सीधी सी ये है, आपका बिजनेस है, आप अपने ऑपरेशंस पे फोकस रखो, ठीक है, ऑपरेशंस को बेहतर बताओ, अपने जो आपका प्रोसेस है उसको बेहतर बनाओ, ठीक है, टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको, आपका बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्म नहीं हो तो टेक्नोलॉजी आपका कोर ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप क्या करो, आप फॉलोअर बनो बजाय कि आप लीडर बनो, ठीक है, आप फॉलोअर बनोगे फायदा क्या होगा, आप रिस्क मिनिमाइज कर रहे हो बेसिकली, वो रिस्क जो आपका है ही नहीं, देखो आपका बिजनेस सिक्योरिटी का है तो आप टेक्नोलॉजी का रिस्क क्यों ले रहे हो, समझ में आई बात, आप क्या करो, yes, आप फॉलोअर बनो, आप क्या करो अपना रिस्क मिनिमाइज करो, क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, हम देख रहे होते दो चीजें, क्या है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी है, वल्नरेबिलिटी भी होती है, अगर हमारे पास इन द राइट सेंस काम नहीं किया उसने तो फिर क्या होगा। देखो याद रखो रिच कॉन वाली एग्जाम्पल बेस्ट है, उन्होंने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे थे, टेक्नोलॉजी के लिए वो अपने बिजनेस को चेंज कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंगली काम करें, तो हमें क्या करना है। सर अगर वो सही इम्प्लीमेंटेशन करते उनके तो उन्होंने सॉफ्टवेयर की चॉइस ही गलत करी थी ना, वो तो उनका चॉइस गलत हो गई थी कि उन्होंने बिना देखे चूज कर लिया व्हाट वाज गोइंग ऑन इन इंडस्ट्री, तो सर अगर वो चॉइस सही करते तो फिर वो तो उनका एक एडवांटेज बन सकता था ना। बिल्कुल सही है, देखो पॉइंट पर वही आ गया,
पहला क्या था, हमारे पास उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पास ये एनालाइज किया कि भाई उनके पास क्या है, एक सिस्टम है जो आउटडेटेड है। ठीक है सर, सॉरी, आप कंटिन्यू करें प्लीज। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो सर। अभी आपने सिटी बैंक की एग्जांपल ली थी कि उन्होंने फर्स्ट टाइम एटीएम लॉन्च किया था, मतलब वो उनका तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, वो भी तो टेक्नोलॉजी थी, तो वो लोग तो बेसिकली बैंक है, तो उन्होंने भी तो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की थी ना। अच्छा हाँ, देखो अब भाई ये कि आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज गेन तो कर लोगे, आप अपना बिजनेस, लेट्स सपोज आप क्या करते हो, आपका किसी सा बिजनेस है, आपका है लेट्स से कॉस्मेटिक्स का है, ठीक है, अच्छा नाम है ना सर, महा महा, मैम देखो आपके पास लेट्स सपोज आपका बिजनेस है कॉस्मेटिक्स का, ठीक है, आपने कहा कि आपने कहा मैं एक काम करती हूँ, मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाती हूँ जो क्या करेगा, आपका चेहरा देखिए खुद ब खुद वो प्रिडिक्ट कर लेगा कि आप पे कौन सा मेकअप ज्यादा सूट करेगा और वो उसके अकॉर्डिंगली वो कर दे देगा, ठीक है। आपके पास ये क्या है, टेक्नोलॉजी है, आप अडॉप्ट कर सकती हो, आप करो। इन केस ये क्या हो गया, ये आइडिया अगर फ्लॉप होता है तो क्या होगा, ये इतना लॉस देके जाएगा कि आपका बिजनेस ही बढ़ जाएगा। पॉइंट समझ रही हो, एडवांटेज देगा, ठीक है, आपको एडवांटेज देगा, मगर क्या होगा, जैसे आपका एडवांटेज ही आप देखेंगे लोग कि कामयाब हुआ है, इसको अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे, तो जो आपका एडवांटेज था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा, मगर अगर लॉस होगा तो वो उसके आप अकेले जिम्मेदार होगी फिर, क्योंकि वो पूरे बिजनेस को लेके बढ़ जाएगा। पॉइंट समझ में आया सर, ये यही बात वाली आईटी डजंट मैटर वाली में हो रही है ना इसी। हाँ बिल्कुल, यही बात हो रही है, शॉर्ट लिफ्ट होता है, इवन इफ यू आर अ फर्स्ट मूवर तो एडवांटेज शॉर्ट लिफ्ट ही रहेगा, इवेंचुअली वो सबको एक्सेसिबल हो जाता है। हाँ अच्छा, तो हमारा क्या है, हमारा ये है कि भाई आप क्या करो, आप पहले वल्नरेबल देखो भाई ये कितना वल्नरेबल है, इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, उसके बाद फिर आप जाके अडॉप्ट करो, ठीक है, क्योंकि देखो जब फर्स्ट मूवर होता है वो क्या कर रहा था, वो सारा रिस्क बेयर कर रहा होता है, आप एडिशनल रिस्क बेयर कर रहे हो रिलेटिंग टू टेक्नोलॉजी, बिजनेस रिस्क नहीं है, टेक्नोलॉजी रिस्क आप बेयर कर रहे हो, ठीक है। तो बेहतर क्या है, आप क्या करो, अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी लग रही है कि अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर सकते हो, तो साथ में देखो आपका उस पर क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, अगर उसमें कुछ गलत हो सकता है तो बेहतर है रुक जाओ, आप सिर्फ ये एनालाइज करो कि भाई इसके अंदर रिस्क कितने हैं, उन रिस्क की हमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रिस्क को क्या करो, रिस्क एनालाइज करो कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये कितना कॉस्ट कर सकता है अगर ये समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, आप उसको देखो कितना हमें अफेक्ट कर सकता है, उसके बाद डिसीजन लो। अगर कोई ऐसा है जो इतना रिस्कियर नहीं है तो फिर आप देखो, अच्छा भाई अगर रिस्कियर नहीं है, अपॉर्चुनिटी अवेल हो सकती है तो फिर ठीक है आप जा सकते हो, मगर अगर रिस्कियर है तो अपॉर्चुनिटी को आप एक साइड में रखो, फिलहाल उसको अडॉप्ट ना करो। बात समझ आ गई, क्लियर है, कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, क्यों क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, नो सर, चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे आ जाते हैं, हमारा ये है ब्रांडिंग द एज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, बहुत अच्छी ये आपका सर। हाँ हाँ बोलो सर, वो आप थर्ड पॉइंट तो समझा दें, कौन सा वाला, फोकस ऑन बुलडर सर, ये जो अभी आप जी देखो इसका थर्ड पॉइंट वो यही कह रहा है, पॉइंट वो यही पॉइंट कह रहा है कि भाई आप क्या करो, आपके पास आपको पता होना चाहिए अगर आप ये अडॉप्ट करोगे तो इस चीज सिस्टम के इस टेक्नोलॉजी के क्या क्या इसमें रिस्क इन्वॉल्व हैं, तो पहले तो आप क्या करो उन रिस्क को आइडेंटिफाई करो और देखो भाई क्या ये रिस्क हमें कितना कॉस्ट करेगा, इन केस अगर ये गलत हो जाता है तो, अगर ये इतना रिस्कियर है तो बेहतर है कि अपॉर्चुनिटीज को एक साइड पर रख दो, पर अगर इतना रिस्कियर नहीं है तो हाँ फिर ये सोच सकते हैं आप इसको अडॉप्ट करने का, तो फोकस किस पे करो, रिस्क पे करो, अपॉर्चुनिटी पे नहीं, आप ये नहीं देखो कि भाई कितना रिटर्न दे सकता है, जितना ऊपर ले जा सकता है उतना नीचे भी लेके आ सकता है, तो अपॉर्चुनिटी को नहीं देखो, ये देखो रिस्क कितना है, रिस्क अगर कम है तो इसको अडॉप्ट कर लो, अगर रिस्क कम है और अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, मगर अगर रिस्क भी इसमें ज्यादा है तो बेहतर है कि अवॉइड करो अपॉर्चुनिटी कितनी भी हो,
क्लियर पॉइंट? ओके सर, थैंक यू। हाँ, फिर हमारे पास है ये कौन सा है, ब्रांडिंग इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहला है वो है द राइज ऑफ क्राउड कल्चर। बेसिकली क्लाउड कल्चर होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, वो कहते ना कि जो एक करता है वही सब करते हैं। आप लोगों ने अभी सोशल मीडिया की पावर देख ली है, ठीक है, जो काम वैसे नहीं हो सकता आपसे सोशल मीडिया पे डालो फौरन वो काम हो जाता है फटाफट, ठीक है ना। आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी, सोशल मीडिया की अपनी पावर है। तो क्या इस जो ब्रांड है, क्या उस ब्रांड की वो पावर है या उस सोशल मीडिया की पावर ज्यादा है? सोशल मीडिया की। इस वक्त सोशल मीडिया बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, क्यों? क्योंकि होता ये कि वो एक बंदा नहीं होता है, एक इनिशिएट करता है, बाकी फॉलोअर उसको लेके आगे बढ़ रहे होते हैं और बेसिकली चेन बन रही होती है पूरी, वो पूरी चेन बन रही होती है। तो हमारे पास जो क्राउड कल्चर है वो बेसिकली यही है कि भाई हम क्या करते हैं, इस वक्त हमारे पास प्लेटफॉर्म बन गए हैं ऐसे जहाँ पे सोशल मीडिया है, बहुत पावरफुल है, लोग बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है और बहुत इतना कि जंगल की आग की तरह चीज फैलती है। तो यही हाल है हमारे किसी का, द राइज ऑफ क्राउड कल्चर। क्राउड का मतलब क्या है, ये सारे क्राउड तो है और वो पूरा एक कल्चर बन गया है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्राउड कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोग इसको यूज कर रहे हैं अपने मकासद के लिए। देखो, अब ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक ऑर्गेनाइज का अपना ब्रांड होता था, मगर अब वो ब्रांड भी मोहताज हो गया है किस चीज का, इस क्राउड कल्चर का, क्योंकि उसको इनकी सपोर्ट चाहिए ही चाहिए अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्राउड कल्चर क्या है, वो जो तमाम एक कम्युनिटी होती है, वो ग्रुप्स होते हैं, वो जो चीजें उस पे प्रमोट कर रहे होते हैं, ये सब क्या है हमारे पास, ये क्राउड कल्चर का पार्ट है, ठीक है। कंफ्यूजन इज रिलेटेड सर, आप सर एक एग्जांपल देके बता दें क्राउड कल्चर। फेसबुक क्या है, क्राउड कल्चर का पार्ट तो है। आप कोई भी निश्चित, सीधी सी बात है यार, याद है आपको वो चाय वाला, याद है चाय वाला? यस सर। कहाँ पहुंच गया वो, और एक वक्त था कोई जानता नहीं था, एक होटल के ऊपर वो चाय सर्व किया करता था, और फिर कहाँ पहुंच गया था, एक अपनी पीक आ गई थी उसकी कि हर मीडिया पे हर जगह पे वही था, और कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो ये किसकी पावर है, ये उस क्राउड कल्चर की तो पावर है। ये क्या कह रहा है, द राइज ऑफ क्राउड कल्चर, पहले जो नहीं था अब इसका बहुत तेजी से राइज हो रहा है, इस क्राउड कल्चर का। क्लियर है? जी सर। यस सर। अच्छा, इसी तरह से फिर हमारे पास क्या आता है, कल्चर हो गया, ऐसे ही हमारे पास कौन सा होता है, सब कल्चर भी होते हैं। क्या होते हैं, कल्चर है तो सब कल्चर भी है। सब कल्चर क्या है भाई, ऐसे तमाम लोग, मसलन हमारे पास जैसे अभी उसका चला था, फ्रांस का चला था, क्या हो गया, वो तमाम लोग जो फ्रांस के अगेंस्ट है उन्होंने बाइकआउट करना शुरू किया और एक कैंपेन चलानी शुरू कर दी, किसके अगेंस्ट में, फ्रांस के अगेंस्ट में। ये क्या है, एक सब कल्चर है, किसका, जो एक तरह से सोचते हैं, जो एक वैल्यूज को शेयर करते हैं। इन शॉर्ट आप समझ लो, जो अपना नीच मार्केटिंग, नीच मार्केटिंग किसको कहते हैं, वो तमाम सब टॉपिक, वो तमाम सब एरियाज जो एक तरह की होते हैं, जो एक उसमें क्या कहते हैं कि एक टॉपिक पे इंटरेस्ट रखते हैं, एक ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, एक सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, एक तरह से सोचते हैं, वो सब कल्चर है। तो ऐसे ही क्या हो रहा है हमारे पास, सोशल मीडिया भी सब कल्चर बढ़ता जा रहा है, ग्रुप्स बन रहे हैं, ठीक है। तो उनकी अपनी एक पावर है, उनकी अपनी एक क्या कहना चाहिए कि क्या कहेंगे इसको, कि अपने इन्फ्लुएंसेस हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जो उसमें इंटरेस्ट लेता है वो उसका पार्ट बन जाते हैं, वो चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, आगे बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या बन गया हमारे पास, वो कल्चर भी आगे एम्प्लीफाइड हो गया, बढ़ गया है। क्लियर है, क्राउड कल्चर और सब कल्चर, कंफ्यूजन किसी को? सर क्लियर है। बोलो सर। सर एक्चुअली हमारे एरिया में लाइट नहीं है और मेरे पास मोबाइल में चार्जिंग भी सिर्फ 3% रह गई है सर, आप ये रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे? रिकॉर्डिंग सेंड, अच्छा देखते हैं इसको अभी फिलहाल, ठीक है चलो देखते हैं,
आगे बढ़ते हैं ठीक है। फिर आपका आता है टर्बो चार्ज आर्ट आर्ट वर्ल्ड। देखो आर्ट वर्ल्ड का प्रॉब्लम क्या है कि उस आर्ट के लिए ना आर्ट जो भी होता है वो अकेला बंदा कर रहा होता है। अब लेट सपोज एक म्यूजिशियन है, अब म्यूजिशियन को सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट आता होगा, उसको क्या चाहिए, उसको बाकी लोग भी चाहिए, उसको वोकलिस्ट भी चाहिए, सिंगर भी चाहिए ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं। हम क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया के जरिए ही अपने अपने ग्रुप्स बना लेते हैं। वो तमाम देखो याद रखो ये किसका पार्ट होंगे, ये सब कल्चर का पार्ट होंगे। ऐसे लोग जो कि वो खुद ब खुद आपस में आ जाएंगे। लेट सपोज मैं बात करता हूँ रिसर्च की ठीक है। मैंने कहा भाई मुझे क्या करना है, मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ, मैं फेसबुक पे डालूंगा, जितने लोग भी इंटरेस्टेड होंगे वो खुद ब खुद मेरे पास आना शुरू हो जाएंगे, उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाएगी। ब्लॉग्स बने हुए हैं ऐसे, या हमारे पास जो है वो ग्रुप्स बने हुए हैं किसके पीछे, ये सब कल्चर की। तो ऐसे ही जो आर्ट वर्ल्ड है वो भी अब रिफाइन हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। ऐसे वो तमाम लोग जो इस तरह से सोचते हैं वो उसको खुद ब खुद पार्ट बनते चले जा रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास करंटली जो क्राउड कल्चर है वो बियॉन्ड ब्रांडेड कंटेंट आगे हो गया है, कि जो ब्रांड्स हैं वो पीछे रह गए और ये हमारे पास सोशल मीडिया या क्राउड कल्चर ही उससे बहुत आगे निकल गया है। तो जो ब्रांड है वो भी बेचारा अब किसका मोहताज है, इस क्राउड कल्चर का मोहताज है कि ये उसको प्रमोट करें। कोके एडवर्टीजमेंट आ रहे होते हैं आपके पास, इसके ऊपर फेसबुक पे चल रहे होते हैं ठीक है। अब ऐसे ऐसे लोगों ने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ाना शुरू कर दिया। क्यों, इसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है, क्राउड कल्चर है, और यही असर वो लोग हैं जो इसको अब लीड करके चल रहे हैं करंटली। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? सर इसमें यूजर जनरेटेड कंटेंट भी आ जाएगा ना? हाँ बहुत सारी चीजें भी आ रही है। देखो यूजर जनरेटेड से कंटेंट बनाया, अब वो कंटेंट क्या होगा, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ उसके फेवर में होंगे, कुछ उसके अगेंस्ट में होंगे ठीक है। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता या तो फेवर में बढ़ता जाएगा या अपोज में बढ़ता जाएगा। क्लियर है ये सर? टर्बो आर्ट वर्ल्ड बता दे। जी सर। एक 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 क्लियर पूछो सर, यही पूछना है मुझे, टर्बो चार्ज आर्ट वर्ल्ड दोबारा से एक्सप्लेन कर दे। दोबारा बोलो सर, टर्बो चार्ज आर्ट वर्ल्ड है ना ये दोनों? हाँ। हम दोनों का यही क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन कर दें दोबारा से पॉइंट। एक्सप्लेन कर दें। देखो सब कल्चर के अंदर अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया आर्ट वर्ल्ड ठीक है। आर्ट वर्ल्ड क्या है, हमारे पास ऐसे तमाम लोग जो आर्टिस्ट हैं ठीक है। आर्टिस्ट का पहले होना बहुत मुश्किल होता था, क्यों, क्योंकि उसके पास जो और भी रिसोर्सेज थे वो अवेलेबल नहीं हो पाते थे। बट इसकी वजह से अब हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास ये बहुत इजीली हमें आसानी से मिल जाता है इनके रिसोर्सेज। तो वो क्या हो गया, हमारे पास आर्ट्स बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है, या समझ लो कि यह हो गया है वो टर्बो चार्ज हो गया है ठीक है। तो अब हमारे पास रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है, तो ये अब ये इसकी एक्सपेंशन तेज हो रही है क्योंकि पहले नहीं थी। क्लियर है, कंफ्यूजन है? तो बेसिकली जो क्राउड कल्चर है उसकी वजह से जो आर्टिस्ट हैं उनको रिसोर्सेज मिल रही हैं अब आगे आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको रिसोर्सेज मिल गई है, उनकी प्रमोशन मिल गई है। अब यूट्यूब है आपके पास, फेसबुक है आपके पास, ट्विटर है, क्या हो रहा है आपके पास, हमारे पास उन्ही चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। और ऐसा होता है ठीक है, जो कि पहले नहीं था, पहले मिस हो रही थी चीजें। क्लियर है? जी सर। फिर हमारे पास आता है कल्चरल ब्रांडिंग। देखो हमारे पास क्या है, हमने कहा भाई ठीक है हमारे पास एक कल्चर है, एक सब कल्चर है, इस वक्त हमारे पास जो है वो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, हमारे पास जो सोशल मीडिया है वो एक लीड कर रहा है। तो होना क्या चाहिए एक ब्रांड के लिए, ब्रांड क्या करेगा, क्या वही सब चीज़ें नहीं दिख रहा होगा, उसको पता है यार मेरी पावर अब इतनी नहीं है जितनी इन लोगों की है। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा ठीक है अपनी प्रोडक्ट को क्या करना है, मुझे आगे बढ़ाना है तो मुझे इन लोगों के थ्रू बढ़ाना होगा, मतलब अपने एजेंडा को आगे लेके जाना है तो इन लोगों के थ्रू करना पड़ेगा। तो वो करेगा क्या, कोई देखा कि वो मैप करेगा कि भाई मेरी चीज़ की एक्सेप्टेंस किस किस कल्चर में आ रही है, कौन कौन लोग हैं जो मेरे फेवर में हैं और कौन कौन लोग हैं जो मेरे अपोज में हैं। तो वो करेगा क्या, वो पहले आइडेंटिफाई करेगा और फिर अपनी प्रोडक्ट को मैप करने की कोशिश करेगा उन तमाम फेवरेबल में कि वो उसको आगे प्रोमोट करें। क्लियर है? मैप द कल्चर ऑर्थोडॉक्स। ये कन्फ्यूजन है इसमें कोई?
सर जी वापसी रिपीट कर दीजिए। देखो मेरे पास एक प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज मैं प्रोडक्ट क्या बना रहा हूँ, हाँ फॉर एग्जांपल करंट सिनेरियो में जब हमने फ्रांस का बायकॉट किया हुआ है तो मैं लिस्ट देख रहा था। अब मुझे लेना था शैम्पू, क्या लेना था शैम्पू। मैंने कहा यार पाकिस्तान में कौन सा है जो ब्रांड शैम्पू बना रहा हो, अनफॉर्चुनेटली मुझे एक शैम्पू भी नहीं मिला। मैं क्या करूंगा, मैं मजबूर हूँ, अगर मुझे शैम्पू यूज करना है तो मैं उन्हीं का लूंगा या फिर मैं साबुन इस्तेमाल कर लूंगा, मजबूर हूँ ना, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरे घर में एक आइडिया है, मैंने कहा क्यों ना हम एक काम करें, हम अपना एक लोकल शैम्पू बनाते हैं। अब हमने बना लिया, यार लोकल कोई चीज आप परचेज करोगे आप में से? मेरे पास क्या है, मैं कहता हूँ ठीक है मैं इसको प्रोमोट करता हूँ, किस तरह से मैं उन तमाम लोगों में प्रमोट करता हूँ जो ये समझते कि फ्रांस का बायकॉट करना चाहिए। मैं उनको कहता हूँ भाई बायकॉट करोगे इसके अल्टरनेटिव देंगे, अल्टरनेटिव के लिए क्या हमारे पास अल्टरनेटिव मौजूद हैं, तो आप इनको प्रमोट करो। अब होगा क्या, अब वो लोग मेरा काम आसान कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे लोग ढूंढूंगा जो मेरे ऑब्जेक्टिव को आगे ले जा सकते हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं सबसे पहले वो मैपिंग करूँ कि भाई कल्चरल डिफरेंसेस कहाँ कहाँ आ रहे हैं, कौन कौन किस किस तरह के कल्चर में सर्वाइव कर रहा है। फिर मैं उसमें ढूंढूंगा कि अच्छा मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है। मैंने क्या किया, मैंने पूरे को सब डिवाइड किया अपने फेवर और अगेंस्ट के अंदर, फिर मैंने उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी शुरू की, और फिर मैं क्या करूँगा उसको टारगेट करूँगा, क्या करूँगा उसको टारगेट करना शुरू करूँगा। पहले मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड किया कल्चर्स को मैप्स में, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट हमने ये किया उसमें हमने कल्चरल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी शुरू की कि कहाँ कहाँ मेरी प्रोडक्ट को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मुझे। फिर उसके बाद मैंने टारगेट करना शुरू किया, ठीक है भाई हम क्या करें उस क्राउड कल्चर को टारगेट करते हैं। अपने आइडिया को क्या किया, हमने उसमें डिफ्यूज किया, हमने उसको आइडिया देना शुरू किया, भाई आइडिया क्या बेसिकली इसके पीछे ये आइडिया है, और फिर वो क्या होगा आहिस्ता आहिस्ता वो आइडिया एक्सपेंड करना शुरू कर देगा, क्या होना शुरू होगा इनोवेट होना शुरू हो जाएगा, लोग उसको एडॉप्ट करेंगे या उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ ये है कि आप ना आइडिया देना कहाँ है। फिर से सुन लो, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले काम क्या करेंगे, हम मैपिंग करेंगे कल्चरल मैपिंग। नेक्स्ट करेंगे हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि कौन सा कल्चर हमारे लिए ज्यादा मोस्ट सुटेबल है, फिर हम क्या करेंगे उसको टारगेट करेंगे क्राउड कल्चर को। उस टारगेट किस तरह से करेंगे, अपने आइडिया को उसके अंदर डिफ्यूज करके, और नेक्स्ट वो खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा, इनोवेट हो जाएगा, लोग खुद ब खुद उसको इनोवेट करते जाएंगे, और हमारे पास क्या रहेगा एक कल्चरल फ्रेश पॉइंट बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन है इस पूरे में, कुछ पूछना है तो पूछ लो। कल्चरल फ्रेश पॉइंट मतलब, हाँ देखो फिर हमारे पास क्या गया, हमारे पास फ्रेश पॉइंट बन गया है। देखो हम क्या कह रहे हैं, हम अपने आइडिया को बेसिकली करके आ रहे हैं, अपने आइडिया को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, अपने आइडिया को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। मकसद क्या है हमारा, मकसद ये है कि हमारा जो ब्रांड है अब वो हो गया है वीक, उस ब्रांड को क्या करना है, हमें ब्रांड आगे किस तरह बढ़ सकता है, हमारे आगे बढ़ने के लिए हमारे पास ज्यादा मोस्ट सुटेबल तरीका कौन सा है, हमारे पास है क्राउड कल्चर। तो हमने क्या किया, अपने आइडिया को वहां तक पहुंचाया, अब हमने क्या किया है, हमने उसको लिया कल्चरल फ्रेश पॉइंट बन गया है। फ्रेश पॉइंट क्या है, मतलब कि इस कल्चर के लिए हमारे पास एक बेंचमार्क बन गया है, ट्रेडमार्क, ठीक है कि भाई ये एक्चुअली आइडिया, अब वो आइडिया रिफाइन होते जा रहा है बट आइडिया रिमेंस द सेम। क्लियर ये चीज, कल्चरल ब्रांडिंग। अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि क्या सिर्फ क्राउड कल्चर को हम ही क्या कहना चाहिए कि यूज कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने अपने मकसद के लिए क्राउड कल्चर को यूज कर रहे हैं, तो इट्स पे अब क्या गया है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन आ गया है, और वो सब क्या कर रहे हैं आपस में कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। देखो बात फिर वही है, कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, टेक्नोलॉजी है, तो फिर क्या होगा, कंपटीशन होगा,
कब होगा, क्योंकि इनिशियल इसने स्टार्ट किया, फर्स्ट ओवर एडवांटेज तो गेन कर ली, बट वो उसको एडवांटेज ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। क्या होता जाएगा, वो अपनी एडवांटेज गेन को लूज कर देगा, वैनिश होती जाएगी और दूसरे लोग भी उसमें आते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। अब हम बात करते हैं जरा डिजिटल मॉडल की। ठीक है, हमारे पास इस वक्त जो डिजिटल मॉडल है, बेसिकली हमारे पास चार तरह के मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। कितने तरह के मॉडल है हमारे पास? चार तरह के मॉडल है हमारे पास। ठीक है, पहला जो मॉडल है वो कहलाता है हमारे पास ओमनी चैनल बिजनेस। कौन सा है? ओमनी चैनल बिजनेस। बेसिकली ये है, देखो वर्ड क्या है, चैनल। वर्ड क्या है? चैनल। ये चैनल क्या होता है? चैनल क्या होता है? सर वे है, रास्ता। दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई। सर कोई किसी भी चीज का चैनल, रास्ता है, कोई सिस्टम या रास्ता है, वे है। वे कि हम अपनी चीज को किस तरह पहुंचाएंगे, किस तरह पहुंचाएंगे, तो ये क्या है हमारे पास? वे है। ठीक है, तो हमारे पास एक रहता है मल्टी चैनल। हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है भाई, हमें अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाना है, हम किस किस तरह से पहुंचा सकते हैं। हमने कहा भाई ठीक है, एक तरीका हमारे पास है ईमेल, एक तरीका है हमारे पास एसएमएस, एक तरीका है हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, और वगैरह वगैरह हमारे पास चीजें हैं। ये सारे क्या है? ये सारे हैं मल्टी चैनल, एक से ज्यादा चैनल्स हैं अपनी बात को पहुंचाने के लिए, मल्टी चैनल है। ठीक है, मगर अगर मैं क्या करूं, इन तमाम चैनल्स को इंटीग्रेट करके एक बना दूं, इन तमाम को इंटीग्रेट करके एक बना दूं जिसमें तमाम चीजें हो रही होगी, वहीं पे मेरे पास लेट सपोज कि कोई आता है सोशल मीडिया पे, ठीक है, वहीं पे मेरे लिंक भी है, आप चाहें तो वेबसाइट पे चले जाएं, वहीं पे मेरे पास ईमेल एड्रेस भी है, मतलब तमाम चीजों को मैंने आपस में लिंक करके फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर को उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या आता है? ओमनी चैनल बिजनेस। ठीक है, क्या किया, मेरे पास मल्टी चैनल्स हैं अपनी बात को पहुंचाने के लिए, उन सबको अगर मैं क्या करूं, मैं इंटीग्रेट कर लूं, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? ओमनी चैनल बन जाएगा। लेट सपोज बैंक्स हैं, बैंक के पास कौन कौन से तरीके हैं? पहले हमारे पास होता था बैंकिंग सिस्टम होता था, बैंक के साथ एटीएम आ गए, एटीएम के बाद हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग आ गई, फिर हमारे पास अब मोबाइल बैंकिंग आ गई। तो ये क्या है? डिफरेंट चैनल्स यूज कर रहा है, आप किसी भी चैनल से जा सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके पास। मतलब आपके पास रिटेलर्स हैं, हो सकता है आपके पास पहले फिजिकल हुआ करते थे, फिर ऑनलाइन होने शुरू हो गए, फिर दोनों होने शुरू हो गए, तो ये क्या है हमारे पास? मल्टीपल चैनल्स हैं। अब आप ऑनलाइन में भी किस तरह कर सकते हो, आप वेबसाइट के जरिए करो, आप सोशल मीडिया के जरिए उनको कर दो, मैसेज के जरिए कर दो। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? ओमनी चैनल्स, मल्टीपल चैनल्स को इंटीग्रेट करके साथ चला रहे हैं। क्लियर है ये ओमनी चैनल्स? यस सर। अच्छा, दूसरा फिर हमारे पास होता है वो कहलाता है इकोसिस्टम ड्राइवर। क्या है? इकोसिस्टम ड्राइवर। इकोसिस्टम क्या होता है हमारे पास? हमारे पास जो हम सराउंडिंग है, हमारे हम जिसपे रहते हैं, ये क्या है हमारा इकोसिस्टम? ठीक है, इसके ड्राइवर्स। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, लेट सपोज मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक आइडिया है, मैं वो उस आइडिया को जो है इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उस आइडिया को फेवर करेंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उस आइडिया को अपोज करेंगे, आइडिया को फेवर करेंगे या अपोज करेंगे। अब मुझे करना क्या होगा, मैं ये देखूंगा ठीक है भाई, मुझे किस किस जगह से क्या क्या हेल्प मिल सकती है, कौन कौन मेरे साथ खड़ा हुआ है, ठीक है, और कौन कौन ऐसे हैं जो मेरे अगेंस्ट में हैं, कौन मेरे पास मेरा कस्टमर हो सकता है, उस कस्टमर को मैं किस तरह से अपने पास लेके आऊँ। तो बेसिकली क्या है ये है कि हमारे पास एक आइडिया से स्टार्ट होता है, उस आइडिया के लिए हमारे पास सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिल सकती है, हमारे क्लाइंट कहाँ कहाँ हो सकते हैं, उन तक अप्रोच करना, यह इकोसिस्टम। लेट सपोज आपने उसका सुना होगा, किसका था ये, अलीबाबा का, क्या नाम था, जैकमा का। जैकमा ने जब स्टार्ट किया तो कॉल उसके कि भाई आपने स्टार्ट किया तो हमारे पास 8 लोग थे, इस साथ मैंने ये अपने आइडियाज को शेयर किया था,
उसमें से चार लोग चले गए एट द एंड, उसमें चार में से भी आई थिंक एक या दो और चले गए थे, तो खाली ये दो या तीन ये लोग रह गए थे खाली अपने आइडिया को लेके। ये क्या था, वो दो तीन लोग कौन थे, वो थे जो समझते थे कि भाई ये आइडिया काम करेगा। फिर ऐसे ही टीम बनती गई, लोग साथ आके मिलते गए, क्यों वो कौन लोग थे, वो तमाम वो लोग थे जिनको लगा कि नहीं यार ये सही है। ऐसे बहुत से लोग थे क्रिकेट को छोड़ के चले गए क्योंकि लगा कि ये काम नहीं करेगा। तो इकोसिस्टम क्या कराता है, वो उन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में होता है कि भाई कौन कौन से आपको फेवर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगी, कहाँ कहाँ के आपको अपोज मिलेगी, इन तमाम को लेकर चलना हमारे पास क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। क्लियर है ये बात, कन्फ्यूजन है? सर मेरा एक सवाल है, पूछो पूछो। सर इकोसिस्टम ये नहीं होता जैसे कि अब गूगल अकाउंट है मेरा, तो आई हैव दैट अकाउंट ऑन माय लैपटॉप, ऑन माय फोन एज वेल, तो उसमें जितनी भी इंटीग्रेशन है दोनों की आपस में मेरे यूजेज को एनहांसमेंट देने की, इकोसिस्टम का ये मतलब नहीं होता लाइक पूरा होलली आपकी डिवाइसेस को इंटीग्रेट करना, या हो सकता है मैं सही ना कह रही हूँ, जैसे अब अमेजोन की यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, अब अमेजोन जो है बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है लाइक डिवाइसेस भी देता है, वेब स्टोर भी है, बुक स्टोर भी है, ऑनलाइन बुक स्टोर भी है, अब उनका फिजिकल स्टोर भी हो गया है, तो इकोसिस्टम का ये मतलब नहीं होता क्या? देखो बेसिकली आप कह रही हो ना वो है मॉड्यूलर, वो क्या है, वो मॉड्यूलर है, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि इनमें फर्क क्या है मॉड्यूलर में और इकोसिस्टम में, नॉर्मली दोनों ये कंफ्यूज करते हैं, बट क्योंकि ये टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया हम दोबारा बनाते हैं, फिर हम उस पर डिस्कशन करते हैं कि फर्क क्या है दोनों में, इकोसिस्टम में और मॉड्यूलर में। आप जो कहिए वो मॉड्यूलर है, ठीक है, ओके दोबारा बना रहा हूँ, आप लोग रिज्वाइन करें।